प्राचीन काल से सनातन में मन को नियंत्रण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कही गई हैं, परंतु क्यों हमारा पूरा जीवन एवं जीवन में किया गया कर्म पूर्ण रूप से मन के ऊपर निर्भर करता है। सकारात्मक एवं उच्च कोटि का सोच हमें जीवन में उच्च स्तर तक पहुंचाता है, तो वही नकारात्मक एवं निम्न कोटि का सोच हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। 600 सालों पूर्व पंच सखाओं ने भी अपने मन पर नियंत्रण करके ग्रंथों की माला भविष्य मालिका की रचना की थी। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, केवल ये चाह सकारात्मक होनी चाहिए। हमारा जो इच्छा रहता है हमारा मन वहीं पर रहता है। उदाहरण के लिए हम किसी स्थान पर घूमने जाना चाहते हैं, हमारा मन बार बार उसी स्थान के बारे में ही सोचता रहता है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना है इत्यादि। हमारे पूर्वज हमसे कह कर गए हैं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। जब एक इंसान दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता है तब उसका मन एवं शरीर दोनों उसी ओर अपने आप भागता है। अगर इंसान का इच्छा शक्ति ही दुर्बल होगा तो जीवन में हमेशा असफलता ही प्राप्त होगी। एक साधक योग मुद्रा में बैठकर शांत मन से एक बिंदु पर अपना मन केंद्रित करता है। अपने साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसका लक्ष्य केवल उस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और कुछ नहीं। इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि मन अति चंचल है, छोटे बच्चे की तरह कूदता रहता है, अनावश्यक विचार लाता रहता है, इसीलिए मन को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। आज विज्ञान जितना भी आधुनिक हो गया हो, मनुष्य शरीर इस संसार का सबसे आधुनिक यंत्र है, ये कभी ना भूलना चाहिए। हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है जिसके मदद से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमारा लक्ष्य हमेशा साफ रहना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के अपना वर्तमान एवं अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं। बीते हुए कल के बारे में ना सोचकर हमें बीते हुए कल में किए गए गलतियों से सीख लेना चाहिए, तभी तो कुछ अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।